अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने ठेकेदार बेंगिया बाडो और अन्य दो के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुरुंगकुमे जिले में नियोजित हुए श्रमिकों के रिश्तेदार द्वारा ठेकेदार बेंगिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 5 जुलाई को कुरुंगकुमे जिले के दामिन सर्कल के हुरी गांव से ये श्रमिक भाग गए थे। ठेकेदार बेंगिया बाडो ने श्रमिकों को जान से मारने की धमकी दी थी। कैंप से भागने के बाद 19 श्रमिक लापता हो गए थे, जिनमें से 10 को बरामद कर लिया गया, लेकिन अब भी 3 श्रमिक लापता बताए जा रहे हैं। वही दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना में 6 श्रमिकों की मौत हो गई है। कोलोरियांग थाना प्रभारी गेजुम बसर ने बताया है कि थाने में केस संख्या 10/22 आर्म्स एक्ट की धारा 341/506 और RW धारा 27 के तहत ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस निश्चित रूप से मामले की गहराई से जांच करेगी और ठेकेदार व अन्य दो की तलाश में पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। अन्य दो लोगों में रियाजुल अली और बेंगिया तानी शामिल है। रियाजुल अली श्रमिकों की मजदूरी को लेकर भाग गया था। वहीं बेंगिया तानी वो व्यक्ति है जिसने कथित तौर पर श्रमिकों को जान से मारने की धमकी दी थी और श्रमिकों को आतंकित करने के लिए हवा में फायरिंग भी की थी। बता रही है अहम खबर इस वक्त की आपको अरुणाचल प्रदेश से कुरुंगकुमे जिले में जो ये घटना हुई, जहां से 19 ठेकेदार कंस्ट्रक्शन साइट से वो भाग गए थे, उनमें से 10 को बरामद कर लिया गया, 6 की मौत हो गई और 3 की तलाश जारी है। इस मामले में अब पुलिस ने ठेकेदार बेंगिया बाडो और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कुरुंगकुमे जिले में नियोजित इन श्रमिकों के रिश्तेदारों द्वारा ठेकेदार बेंगिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि इस घटना में 6 श्रमिकों की मौत भी हो गई है। कोलोरियांग थाना प्रभारी गेजुम बसर ने बताया है कि थाने में केस संख्या 10/22 आर्म्स एक्ट की धारा 341/506 और RW धारा 27 के तहत ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस निश्चित रूप से इस मामले की गहराई से जांच करेगी और ठेकेदार व अन्य दो की तलाश में पुलिस ने अभियान जारी रखा है। अन्य दो लोगों में रहम अली और बेंगिया तानी शामिल है। इन दोनों किने मजदूरों को भगा के ले गए थे। वहीं बेंगिया तानी वो व्यक्ति है जिसने कथित तौर पर श्रमिकों को जान से मारने की धमकी दी और उन्हें आतंकित करने के लिए हवाई फायरिंग भी की।